चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। कल यूपी को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, अहम जानकारी आपको दे दें। कल उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। दरअसल सरकार और संगठन के बीच देर रात तक मंथन चला है और मंथन में यूपी अध्यक्ष का नाम लगभग तय माना जा रहा है। संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेजे हैं और आज नाम पर मोहर लग सकती है। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और अब नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसका भी जल्दी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि इसको लेकर कल देर रात मंथन हो चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जरा बताएं, स्वतंत्र देव सिंह अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, कल बैठक भी हुई है, इसको लेकर मंथन चला है, अब ये भी कहा जा रहा है कि नाम लगभग तय है, केंद्रीय नेतृत्व से केवल मोहर लगना बाकी है। जरा बताएं किसके नाम को लेकर यहाँ पर चर्चाएं तेज हैं और कौन हो सकता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कल उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तमाम सारे नाम हैं जिनकी चर्चाएं जोरों से चल रही हैं। इससे पहले अगर हम बताएं तो मुख्यमंत्री आवास पर आज 12:30 बजे कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे और संगठन के मंत्री सुनील बंसल भी वहां पर पहुंचे थे। लगभग 1.5 घंटे ये बैठक वहां पर चली। इससे पहले की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जेपी नड्डा से स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात हुई थी, जिसमें साफ हो गया था कि अब जो स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने दिल्ली में ही पहुंचकर पहले ही इस्तीफा दे दिया था। साथ ही अगर आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र देव सिंह की अहम भूमिका रही थी, साथ ही लोकभवन जो चुनाव थे उसको भी लेकर उसमें अहम भूमिका उनकी रही थी। अब जिस तरीके से तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष के नामों की चर्चा चल रही है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें, उपेन्द्र चौधरी की अगर बात करें, तो तमाम ऐसे नाम है जिनकी चर्चाएं जोरों से चल रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर रेस में आगे दिखाई कौन दे रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ऑलरेडी डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पर उनके नाम को कितना ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस रेस में फिलहाल आगे कौन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है, हालांकि दर्जन भर ऐसे नाम है जिनके प्रदेश अध्यक्ष की श्रेणी में उनके नाम चल रहे हैं। लगातार पिछले 2 दिनों से सीएम आवास पर यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक चल रही है, उसमें तमाम सारे ऐसे नाम है जिनपे चर्चाएं हो रही है। अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो आपने जैसे ठीक कहा कि वो अभी डिप्टी सीएम है, उसके साथ में अगर कई नाम ऐसे भी है जिनकी चर्चा हो रही है। साफ तौर पर कई बार जो है यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय पर भी यहाँ पर बैठक हो चुकी है। आज भी कोर कमेटी की बैठक जिस तरीके से 12:30 बजे सीएम आवास पे थी, तो वहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे, साथ ही संगठन के सुनील बंसल भी वहां पर मौजूद थे। साथ ही अगर स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, तो उन्होंने जब सीएम आवास के बाहर निकलते समय एक बयान दिया था कि अभी ही मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, साथ ही कई नामों की ऐसी चर्चा चल रही जिनको अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अविनाश, नजर बनाए रखिए, बड़ी खबर है, इस पर आगे अपडेट हम आपसे लेंगे। तो फिलहाल जानकारी यही है कि नाम पर अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से केवल मोहर लगनी बाकी है और चर्चा हो चुकी है। सरकार संगठन के बीच देर रात तक इस पर मंथन चला था, मंथन में यूपी अध्यक्ष का नाम लगभग तय माना जा रहा है, बस यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो है वो आखिरी मोहर लगनी बाकी है, उसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।